कौन सा गांव है आपका? गढ़ी। गढ़ी चौखंडी। हाँ। वो तो पूरा गांव एक बार हो चुका है नोडा प्राधिकरण के द्वारा। हाँ, सब पर लिखा हुआ नोडा प्राधिकरण। ऐसा गड्डी पे गड्डी पे नाम लिख रखा ना बेटा। हाँ, सब भगाओ मकान से निकाल निकाल के। कितने मकानों पे नोडा प्राधिकरण का नाम दर्ज हो चुका है? सारी गड्डी पे ही है। सारी गड्डी पे नहीं है, पूरे 82 गांवों पे। अच्छा, कितने गांव, कितने घर होंगे उस गांव में? घर तो भैया पता 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं। तो नोडा नाम दर्ज हुआ कि आपने मुआवजा ले रखा है क्या जमीन का? मार्जले का, जो मार्जी में गई उगई है, और जो 10% उसका रखा इन्होंने 1 रुपया दे दिया ना, और प्लॉट और ना दिया हमारे। हाँ, प्लॉट और ना दिए हमारे। कांग्रेस ने भी ऐसी अपना चुप में ही अपना ही घर बनाया और उनके फोड़ दिए। अब ऐसी यू कर रही है और अपना बना रहे हैं, पब्लिक का फोड़ रहे। भाई किसी के 4 बालक हैं और उस बालकन को तुम मानो पढ़ा लिए लिखा लिए, तो वे बेचारे कहीं हिले जुगाड़ को चलेंगे। अब हिला कहीं लगता नहीं, और इनने अपना 3 लाख रुपए दिए गए मैं देखा है और झाड़ काट दिया और नोएडा और गाड़ी पर लगा दिया। कल को 4 साल पहले बालकन को कहने लगे हम तो भगा रहे हैं, कहाँ रहेंगे भैया बालक? मिलेगी लेकर आएंगे। बात है, आप तो कई बार कर चुके हैं आंदोलन। कोई बात रहा तो हम फिर करेंगे, जब तक जिंदे रहेंगे जब तक लड़ते रहेंगे लड़ाई। कब देना तो हम तो यहीं मरेंगे। तो लड़ेंगे लड़ाई। हाँ, एक बहु कभी एक का तो जो गाड़ी में गिर के चले गए, लिए गए डॉक्टर के जाके गिरी। अब भैया और मर जाएंगे एक आध। अगर मर गए जमीन कौन भरतेगा? ना भरतेगा तो कोई बात ना, पर ओठटकी में तो आग लगा के छोड़ेंगे। किसान भरते नहीं, ओठटकी में तो आग लगा के छोड़ेंगे। फिर विकास कैसे होगा क्षेत्र का? काय होगा मारो, जब सब तो हमारे मार रहे तो तुम भी मरो। सरकार तो देखिए अच्छी क्या बताएं, जो अच्छी थी खैर जो थी, लेकिन जो भाजपा सरकार आई है ना, ये तो सबसे निकम्मी सरकार है। आप कितनी बार आ चुके हैं आंदोलन में नोडा पर? हम तो 1 महीना पहले लगे दिखे, 1 साल पहले। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल सारी होगी उन्हें जब लगे या अब लगे। पर बालक जब यू कह देख दे देंगे शर्मा ने कह दी, नेता ही खा रहे हैं या यू ऑथरिटी खा रही है दुनिया भर की बेईमान। राजी कर दे, कैसे कह रहे हैं कि 4 उनको दे दिया पैसा से, 4 गए बेचारे गरीब, तो उनको नहीं कहा हाँ मिल जाएगा जाओ। वे बेचारे क्यों 10 ना चक्कर काटे फिर अपने घर बैठ जाओ, नुक दे देंगे। रिश्वत ले सुतरी और ठट्टी देती है यू 10 निरे दूसरे जिले के आके तैयार लंबरदा 4 महीना में बिल्डिंग बना दे, और किसान के बालक कहीं नौकरी के नहीं पढ़ पढ़ कहीं घूमे रहे। और फिर जमीन 10 को लेते, 20 को लेते, 30 को लेते तो पैसा रहता किसान पे। 3 लाख में 4 लाख में कहा बने है? जमीन ले ली मंदे में लेके बैठ को सस्ती में ले ली। हाँ, 3 लाख रुपया बीघे में खरीद ली सब, और अभी प्लॉट जहाँ रह रहे वहीं के वहीं पड़े हमारे गड्डी। लेकिन आपको 5% प्लॉट मिला ना? कुछ नहीं हमें तो, कुछ नहीं भैया हमें, नौकरी वगैरह मिली किसी को? कुछ नहीं। अच्छा, ये गांव की भूल ही तो रही नहीं। पहले यूँ कहते एक बालक की नौकरी चाहिए घर गए, और हमारा जो 10 वर्ष का काट रहे वो मिलना चाहिए, और जो हमारा प्लॉट वे रह रहे वे मिलने चाहिए। हाँ दादी जी, आप पिछले कई साल से धरना प्रदर्शन करते हैं नोएडा प्राधिकरण। हाँ। पर लेकिन कुछ हल नहीं होती समस्या? हल नहीं होती, ऐसे जब चोर बैठी ऑटरती में, जब अपना ही मकान अपना ही दुकान सब कुछ अपना बना में। चोर कौन है? ऑटरती है दूसरी चोर, वो तो विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास कर रहे हैं, और मोदी जोदी जैसे हो गए रंडवा भंडवा, ये क्या करेंगे ये? आंटी देखो कितनी सड़कें कितनी अच्छी हैं आपके क्षेत्र में। रात दिन जलते हैं बिजली के बल्ब, सड़कें खोद के खाएंगे। अरे भैया जिसके 4 बालक हैं और वे न्यारे हो गए, तो उन्हें रहने को भी जगह चाहिए, उन्हें खाने को भी चाहिए। तो जमीन तो आपके होगी? जमीन कहाँ, अब कोई तो 20 बीघे का जोता, कोई 100 बीघे का जोता, तो 20 वाला कितने का लेगा? भाई जमीन चली गई तो का ना गुंजा तो घेरी भी नहीं गई। अच्छा, और इनने ले ली। दादी जी, आप कह रहे हैं कि जो नोएडा के जो आपका गढ़ी गांव है उस पर नोएडा दर्ज हो चुका है। हाँ। आपने मुआवजा भी नहीं ले रखा है? मुआवजा नहीं दिया है? नहीं, मकानों का तो नहीं दिया? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो उसमें नाम क्यों दर्ज कर दिया? हाँ, यू मायावती के उसमें वो यही बात पता लग रहे हैं। अच्छा, यू क्यों है? इसने तो मतलब घरों को इतना बर्बाद कर दिया ना कि कोरोना के नाम पे कहीं, अब उस कोरोना के नाम पे तो इतनी बेरोजगारी फैला दी है, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है, अशिक्षा फैला दिया है कि जो लोग मतलब जितने बर्बाद हुए ना वो आबाद होने में देखना उन्हें एक एक पीढ़ी लग जाएगी, इतने लोग बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो आपकी उम्र के हैं यंग हैं कि बेशक महंगाई है,
पेट्रोल 100 है, सरसों का तेल 200 है, लेकिन देश मजबूत हाथों में, देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी ने जो देश को मजबूत हाथों में ले रखा है, क्या तरक्की कर रहा है जो वो, ये वो लोग बोलते हैं जो मोदी अंधभक्त हैं, जो जिन्हें लगता है कि हाँ पीछे से उनका जो मतलब माल ब्लैक मनी आ रहे जिनके यहाँ, वो ये लोग बोलते हैं। जो खुद के खाने वाले हैं ना, कमाने वाले हैं, वो नहीं बोलते ये लोग। उनका वो ये कि हम कैसे करेंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। अच्छा 2022 में क्या लग रहा है, सरकार किस क्या सकती है? 2022 में हमारी कोशिश सरकार को बदला जाएगा और सपा सरकार को लाया जाएगा। अच्छा। जी लेकिन किस दम पे आ सकती है? दम यही है जब जो जो सरकार हमारे लिए सोचेगी, कुछ करेगी, उसी दम पे सरकार आएगी। क्या खास बात है अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार ने देखिए, इस सरकार ने सिर्फ तोड़ा है, और अखिलेश सरकार जब भी आई है उसने सिर्फ जोड़ने की कोशिश की है। काम इतनी एम्बुलेंस लगाई है, पब्लिक सेवा इतनी की है, बहुत ज्यादा हर जगह पर कितनी एम्बुलेंस थी। अब इस अवस्था में अब आप देख रहे हो, भाजपा सरकार 5 साल से चली है, क्या एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं करा पाई? वो एम्बुलेंस भी वो थी जो पुरानी जो अखिलेश की दी हुई थी, वो भी एम्बुलेंस वो अब चलाई गई है। लेकिन यूपी में थोड़ा अपराध तो कम होगी ना, महिलाएं सुरक्षित हैं, बहन बेटी। अब कल परसों की बात देख लीजिए, पुलिस जो पुलिसकर्मी है यहाँ मेरठ जिले की बात है, बलात्कार करके वहाँ दिल्ली में फेंका गया है। बताइए कौन से अपराध कम है? आप जहाँ योगी जी के हैं वहीं देख लीजिए, जहाँ योगी जी हाँ गोरखपुर के योगी जी हैं वहीं देख लीजिए, जो एक 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, क्या बता वो गैंग रेप हुआ है उसके साथ, क्या वो मतलब कम हुआ है? योगी जी को इतना तो देखना चाहिए कि अपने ही मतलब क्षेत्र में उनके ऐसा हो रहा है, तो वो पूरे देश का क्या मतलब भरोसा दिलाएंगे कि मैं सारे देश की रक्षा कर सकता हूँ, पूरी यूपी को संभाल सकता हूँ? तो चलाते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो अब झूठा ना रहा है बिल्कुल। बेटी उनके सामने मर रही है, उनके गांव में मर रही है, उनके साथ इतनी बदसलूकी हो रही है, मतलब बता क्या नारा, तो वो एक नारा तो हम भी झूठे कितने ही बना देंगे, लेकिन हम सक्षम तो करें उन नारों को। ठीक।